नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एसएन क्रिकेट के एक चैनल पर। दोस्तों मैं नीलेश कुमार शर्मा क्रिकेट की न्यू अपडेट के साथ। ऐसे न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों जहां भारतीय क्रिकेट टीम इधर पिछले 2-3 सालों से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, उसके पहले भी लगातार भारतीय टीम क्रिकेट अच्छा खेलती आ रही है, वहीं निचले स्तर की बात करें तो बहुत ही घोटाले नज़र आते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे आज इधर झारखंड क्रिकेट संघ विवाद में है। स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है कि 4 लाख दीजिए और स्टेट टूर्नामेंट खेलिए। तो दोस्तों टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी राज्य झारखंड क्रिकेट संघ भी बड़े विवाद में आ गया है। यहाँ पैसे लेकर बाहरी खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। इस मामले का पर्दाफाश एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन से हुआ। इसमें दिखाया कि किस तरह से पैसे का लेन देन कर खिलाड़ी को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट टीम में जगह दी जाती है। इसके लिए राज्य और जिला स्तर के अलग अलग राशि ली जाती है। राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट स्टेट खिलाने के लिए बाहरी खिलाड़ियों से 4 लाख रुपए, जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खिलाने के लिए 40,000 रुपए तक लिए जाते हैं। चैनल ने सबसे पहले रांची जिला क्रिकेट संघ RDS के सचिव मोहम्मद वसीम का स्टिंग ऑपरेशन किया। तो दोस्तों इसमें दिखाया गया कि मोहम्मद नसीम ने पैसे के बदले नीचे से ऊपर तक की सारी सेटिंग कर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अंडर 16 या 19 क्रिकेट खिलाने के लिए 35,000 से 40,000 रुपये खर्च होंगे। इतने पैसों में वह खिलाड़ी का सारा दस्तावेज फर्जी बनवा देंगे। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या स्टेट लेवल पर क्रिकेट खिलाने के लिए कितने रुपये खर्च होंगे, तो इस पर मोहम्मद वसीम ने 4 लाख रुपये तक खर्च होने की बात बताई। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इसके लिए वह ऊपर से सेटिंग कर देंगे। उनसे जब पूछा गया क्या स्टेट खिलाने के लिए किसी की परमिशन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां सेलेक्टर की सेटिंग रहती है। मोहम्मद वसीम ने कहा कि यदि बच्चों में टैलेंट है तो वह उसे रांची डिस्ट्रिक्ट से खिलाएंगे, नहीं तो किसी दूसरे जिले से उसका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। तो दोस्तों मोहम्मद समी ने दो पैसों के बदले दूसरे राज्य से भी खिलाने की बात कही और उन्होंने कहा कि BCCI ने अभी 6 राज्यों को मान्यता दी है, वहाँ खिलाड़ियों की जरूरत है, जरूरत पड़ी तो उन राज्यों से भी खिलवा देंगे। और लातेहार क्रिकेट संघ के सचिव भी फंस गए इस मामले में। इसके बाद लाहरता जिला संघ क्रिकेट के सचिव अमलेश कुमार का स्टिंग ऑपरेशन किया गया। उनसे पूछा गया कि किसी बड़े टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप पर कुल कितने रुपए खर्च हो गए, तो अमलेश ने कहा कि 10 से 12 लाख रुपए खर्च होंगे और विजेता टीम को 1 लाख और उप विजेता को 51 लाख के अलावा खिलाड़ियों ऑफिशियल के मोमेंटो का खर्च भी शामिल होगा। तो दोस्तों बिहार में भी यहाँ पे लाहरता क्रिकेट संघ के सचिव और उन्होंने दावा किया कि पैसे के दम पर एक खिलाड़ी को अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 नहीं बल्कि रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, IPL जैसे टूर्नामेंट खिलाने का रास्ता साफ कर दिया है। और तो दोस्तों एक और जगह स्टिंग ऑपरेशन हुआ जहाँ की इसमें पिछले 2 साल से क्रिकेट स्टार्ट किया गया, बिहार में 75 लाख का ऑफर मिला है। तो दोस्तों चैनल बिहार क्रिकेट संघ के BCCA के अधिकारियों का स्टिंग किया। वहां के सिलेक्टर नीरज कुमार ने कहा कि 75 लाख रुपए देने पर रणजी ट्रॉफी में मैच खिलाया जाएगा और 35 लाख रुपए तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रविशंकर प्रसाद को देने होंगे, वहीं 5 लाख रुपए तो फर्जी प्रमाण पत्र, आधार, आवासीय, स्कूल, हॉस्टल बनवाने में लग जाएंगे। उनसे दिल्ली में एक फ्लैट लेने की बात भी लेने की मांग की। नीरज ने कहा कि बिहार में सभी लेन देन वहाँ के वरिष्ठ अंपायर DP त्रिपाठी की देखरेख में होता है और TV पर यह खबर आने के बाद BCCA ने DP त्रिपाठी और सेलेक्टर नीरज को सस्पेंड कर दिया। वहीं झारखंड के सचिव मोहम्मद वसीम को भी सस्पेंड कर दिया गया है। पहले भी रिपोर्ट दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्रिकेट संघ के पूर्व भ्रष्टाचार के संबंध में BCCI की एंटी करप्शन यूनिट के पूर्व चीफ नीरज कुमार ने बताया कि इस संबंध में वह पूर्व में भी रिपोर्ट दे चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में एक बार जांच के द्वारा उन्हें पता चला कि वहां के खिलाड़ी सेक्सुअल फेवर भी मांग की गई है। तो दोस्तों जहां क्रिकेट अपने भारतीय क्रिकेट की अपने चरम सीमा पर खेल रही, वहीं निचले स्तर पर क्रिकेट की बात करें तो आज भी जो टैलेंटेड खिलाड़ी है उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है और अच्छे खासे पैसे दे के जो फर्जी खिलाड़ी उनको खिलाया जा रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं क्या ऐसे क्रिकेट खिलाने से ऐसे क्रिकेट हमारे देश में होगा, क्या क्रिकेट टीम हमारी मजबूत हो पाएगी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसके साथ हमारे चैनल ऐसे न्यू अपडेट पाने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।